इस तरह है जी कि पिछले एक महीने तो असी वक् वक् कूड़ा डंप के उत्ते सैल्फी पॉइंट बनाए हुए थे और उसके बावजूद भी अफसर नहीं जागे। फिर असी कारपोरेशन दे जोन डी के बाहर पिछले हफ्ते प्रोटेस्ट किया और अफसरां दे सेहत दे उत्ते कोई असर नहीं होया। इस तो बाद शुरुआत होंदी है जिहड़े असी नुमाइंदे चुने हुए ने कारपोरेशन दे विच के शहर नूं साफ रखण वास्ते। अज स्टार्टिंग हुई है लुधियाणे शहर दे फस्ट सिटीजन जिहड़े साडे मेयर हैगे ने उन्हां दे घर दे बाहर असी प्रोटेस्ट दे उत्ते आए हाँ कि सर तुहाडे कोल तुहानू असी ने शहर नूं साफ सुथरा रखण वास्ते चुनिया सीगा पर शहर साफ सुथरा नहीं हैगा। असी ये चाहते हैं कि जिस तरह तुहाडा घर दी सड़क घर दे बाहर वाली सड़क या घर साफ सुथरा हैगा इस तरह पूरे शहर नूं साफ सुथरा रखो क्योंकि जिन्ने क स्वीपरस इस वार्ड दे विच होणगे उन्ने स्वीपर हर एक वार्ड दे विच डिप्लॉय किए हुए ने तो उस पूरे शहर की सफाई क्यों नहीं हो रही, जगह जगह पर कूड़े के डंप्स क्यों लग रहे हैं, ये बारे ध्यान दते जा। जिहड़ा साडा धरना लग्या ये धरना अज पहली बार ही नहीं लग्या, साडा लगातार पिछले 5 हफ्ते तो चल रहा धरना। सब तो पहले असी जिहड़े काउंसलर्स है जां MLA है ते म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर उन्हां नूं जगाउण लई जिथे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए उत्थे असी उत्थे सैल्फी पॉइंट ईवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कीतियां पर इन्हां वल्लों कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर पिछले हफ्ते असी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाणा के बाहर भी धरना लगाया पर उदों भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन असी इत्थे अनाउंस किया कि असी इस ऐतवार जिहड़ा है मेयर जी के घर के बाहर असी धरना लगावांगे ताकि उन्होंने पता लगे कि लोग किन्ने तकलीफ च ने। तो नाल दी नाल ही असी इस करके भी धरना लगा रहे हैं कि जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट प्लान के इन्होंने झूठे तत् पेश किए ने कि जिहड़े 50% सैग्रीगेशन की गल कर रहे हैं एट सोर्स की जबकि सिर्फ 5% तो नेड़े तेड़े ही जिहड़ी है सैग्रीगेशन हो रही है। प्लस ये कह रहे हैं कि असी 6 जगह असी फिक्स करती हैं जिथे कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन का जो मलबा है वो उत्थे गिराया जाएगा लेकिन वो 6 दी 6 जी लोकेशनस हैगी हैं किसी आम बंदे नूं नहीं पता, जिहड़े कूड़ा जिहड़े मलबा सट्टण वाली ट्रॉलियां ने उन्हां नूं भी नहीं पता। वो जगह जगह रात नूं सड़कां दे आस पास मलबे दे ढेर लगा रहे हैं, पूरा लुधियाणा मलबे का कूड़े दे नाल नाल मलबे का घर बन चुका है। फर्दर जिहड़े स्टैटिक कंपैक्टर इन्हां ने खरीदे वो सही तरह काम नहीं कर रहे, जवाहर नगर कैंप का स्टडी कंपैक्टर का ईवन इलैक्ट्रीकल कनैक्शन भी डिसकनैक्ट कर दिता PSPCL ने, शायद इन्हों को बिल भी नहीं भरया गया होएगा। दुगरी रोड से जोड़ा स्टडी कंपैक्टर है वह भी काम नहीं कर रहा, बाहर वो ढेर कूड़े के लगे हुए हैं, यानी कि जी इन्होंने स्टडी कंपैक्टर खरीदे पहले वो पुअर क्वालिटी के सके, एक इनवैसटीगेशन होनी चाहिए है। फर्दर जी सड़क इन्होंने बनवाई हैं पिछले 3-4 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपया जोड़ा कहें कि लगया अभी सड़कों पर, वो सड़कों दे भी जिहड़ा इन्हां नूं इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए है कि सड़कां बनियां किदां ते इन्नी पुअर क्वालिटी दी सड़कां क्यों बनाईयां कि जिहड़ी नाल दी नाल ही टुट गईयां। असी जिन्ना भी इन्हां ने इनकरैक्ट रिकॉर्ड फ्रेम किया डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट प्लान ते असी उहदी अज एक कंप्लेंट माननीयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नूं पा रहे हैं ते नाल दी नाल ही असी इन्हां नूं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिहड़े इन्हां ने पब्लिक मनी दा लॉस किया गलत क्वालिटी दीयां चीज़ां खरीद के उहदे उत्ते भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है। फर्दर असी अज मेयर जी तो डिमांड करते हैं कि वो क्योंकि वो 4 सालों के विच लुधियाना ठीक करन च नाकामयाब रहे ने इसलिए उन्होंने असी उन्हां तो अज एक अस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं कि वो अस्तीफा देन ते कोई होर उन्हां दी जगह ते आके शायद कोई काम कर पावे। जे वो अस्तीफा नहीं देंदे ते साडा जिहड़ा हैगा असी उन्होंने फिर भी वॉच करांगे कि वो काम कर रहे ने ते साडा जिहड़ा धरना है लगातार हर हफ्ते जारी रहेगा जब तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना इसी तरह काम नहीं करती। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपना काम न तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ना इलेक्टेड सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना ब्यूरोक्रेट्स कोई काम नहीं कर रहा है, सब सोए पड़े हैं। ये काम वो करते हैं सुबह शाम उठ रात को सोते समय सुबह जगते समय ये सोचते हैं कि क्या करें कि कुछ कमाई हो जाए, सड़क तोड़ के सड़क बना दें जो कि महीने में टूट जाए या सड़क के किनारे जो टाइल्स लगी हैं उसको उखाड़ के नई टाइल्स लगा दें। तो ये ऐसे ही काम करते हैं जिसमें कुछ पैसा खर्चा हो और कमाई हो। आज इनकी साफ़ सफाई के लिए मुलाजिम रखे हुए हैं वो काम नहीं करते हैं, आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई किसी को ध्यान ही नहीं है,
तौर तरीके बने हुए हैं। आज पॉलीथीन के ऊपर में 2016 से कानून बना हुआ है कि सिंगल यूज़ पॉलीथीन यूज नहीं होगा, हुए जा रहा है। उसको बंद नहीं इसलिए नहीं करते हैं कि जो लोग बनाते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो इनको पैसा देते हैं। उसी तरह से जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है शहर की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, वो इनको हर महीने पैसा देते हैं और खुले आम जहर बुढ़ा दरिया में छोड़ते हैं। वो जहर आगे जा कर के सतलुज में जहर पैदा करता है और वो सतलुज का जहर पंजाब, लुधियाना के बाद पंजाब में, पंजाब के बाद राजस्थान तक जाता है, सबको कैंसर की बीमारियां देता है, स्किन की बीमारियां देता है, अस्थमा की बीमारियां देता है। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये अपने आराम से घर में सो रहे हैं सारे, जितने भी इलेक्टेड सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरान हैं, मुलाजिम हैं, इनको कुछ भी परवाह नहीं है। तो हम उनको जगाने के लिए ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो जागें और अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको तैनात किया गया है वो काम वो करें, पोल्यूशन को ख़त्म करें, वेस्ट का मैनेजमेंट करें, जो काम उनको करना है वो करें, इसके लिए प्रोटेस्ट करें।